भारतीय सेना कई अत्याधुनिक और ताकतवर हथियारों से लैस है, जो सरहद पर हमला करने वाले किसी भी दुश्मन मुल्क को सबक सिखाने की ताकत रखता है। आज हम आपको इस वीडियो में भारतीय सेना के ऐसे कुछ ब्रह्मास्त्र के बारे में बताने जा रहे हैं जो पूरी दुनिया को हिलाने की ताकत रखते हैं और जिनसे पड़ोसी देश चीन को भी डर लगता है। भारत सरकार ने पिछले कुछ महीनों में दुनिया के कई देशों के साथ अहम रक्षा समझौते किए हैं। अमेरिका, रूस और इसराइल समेत अन्य देशों के साथ किए गए समझौतों ने भारत की ओर तिरछी निगाह रखने वाले पड़ोसी देशों को बड़ा संदेश दिया है। भारत ने इसराइल के साथ अपने रक्षा संबंधों को नई दिशा दी है। दोनों देशों ने अगली पीढ़ी की प्रौद्योगिकियां और ड्रोन जैसे उत्पाद और रोबोटिक्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को संयुक्त रूप से विकसित करने के लिए समझौता किया है। रक्षा क्षेत्र में भारत और रूस के संबंध दुनिया के सामने जगजाहिर है। साल 1962 में हुए भारत चीन युद्ध में भले ही भारत हार गया था, लेकिन बदलते वक्त के साथ साथ भारतीय सेना और उनके ब्रह्मास्त्र में भी गजब की बढ़ोतरी हुई है। इसी कड़ी में आइए सबसे पहले आपको रूबरू कराते हैं ब्रह्मोस मिसाइल से। इस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस को गेम फिनिशर भी कहा जाता है। भारत और रूस द्वारा तैयार किए गए ब्रह्मोस को पनडुब्बी जहाज, एयरक्राफ्ट या जमीन कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है। ऑपरेशन के मामले में ये दुनिया का सबसे तेज क्रूज मिसाइल माना जाता है। इसी तरह भारतीय सेना के बेड़े में SU-30 MKI दुनिया में अब तक का सबसे शानदार लड़ाकू विमान है। रूस की मदद से बना ये फाइटर जेट किसी भी मौसम में मार करने की क्षमता रखता है। इसी तरह P-81 नेपच्यून को भारतीय नौसेना की आंख माना जाता है। भारतीय नौसेना का यह नेपच्यून विमान समंदर की हर हलचल पर पैनी नजर रखता है और वक्त आने पर किसी भी पनडुब्बी को बर्बाद करने की ताकत भी रखता है। यह है एंटी मिसाइल बराक 8, जो भारतीय सेना के लिए एक रक्षा कवच की तरह है। बराक 8 लंबी दूरी का एंटी एयर और एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जिसे भारत ने इजराइल के साथ मिलकर तैयार किया है। हाल ही में भारतीय सेना के बेड़े में शामिल हुई अग्नि 5 इंटरकॉन्टिनेंटल ब्लास्टिक मिसाइल भी गजब की क्षमता वाला मिसाइल है। इसे किलर मिसाइल भी कहा जाता है। अग्नि 5 की मारक क्षमता 8000 किलोमीटर तक है और ये 1000 किलो तक का परमाणु हथियार ले जाने की भी ताकत रखती है। INS विक्रमादित्य का नाम आपने जरूर सुना होगा। INS विक्रमादित्य को समंदर का राजा कहा जाता है। इसकी रफ्तार लगभग 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस पर 36 एयरक्राफ्ट रखे जा सकते हैं। इन्हीं खूबियों के चलते इसे तैरता हुआ एयरफील्ड और मिनी शहर भी कहा जाता है। INS विक्रमादित्य की तरह भारतीय सेना के बेड़े में INS चक्र भी शामिल है। INS चक्र को स्टील से बनी शार्क भी कहा जाता है। यह सबसे तेज परमाणु पनडुब्बी है, जो पानी के अंदर लंबे समय तक रह सकता है। और इस कड़ी में आगे बात करते हैं INS अरिहंत की। तो अरिहंत का मतलब ही होता है
दुश्मनों को खत्म करने वाला। आईएनएस अरिहंत भारत की परमाणु क्षमता से युक्त बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है। अरिहंत में 4 वर्टिकल लॉन्च ट्यूब है जो तरह तरह की मिसाइलें ले जाने में सक्षम है। ये है प्रीडेटर ड्रोन। अमेरिका में बना ये ड्रोन हाल ही में भारतीय सेना में शामिल हुआ है। इसके जरिए सेना की आक्रमण क्षमताओं को बेहतर करने की कोशिश की गई है, जो अभी तक ड्रोन का इस्तेमाल केवल निगरानी और टोही अभियानों में करती आ रही है। भारतीय सेना स्वीडन की कंपनी साब से 84 नाम का एंटी टैंक सिंगल शॉट वेपन भी खरीदा है। 84 दुनिया का सबसे खतरनाक एंटी टैंक हथियार है, जिसे सैनिक किसी इमारत या बंकर में बैठकर इस्तेमाल कर सकते हैं। 84 mm बोर वाले इस लॉन्चर से दुश्मन के टैंकों को आसानी से तबाह किया जा सकता है। वर्तमान में इस हथियार के अलग अलग वेरिएंट का इस्तेमाल दुनिया के 30 देशों से अधिक देश कर रहे हैं। भारत को रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी शुरू हो गई है। दुनिया के सबसे अत्याधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम माने जाने वाले S-400 से हवा में भारत की ताकत अभेद्य हो जाएगी। ये सिस्टम 400 किलोमीटर की रेंज में दुश्मन की मिसाइल, ड्रोन और एयरक्राफ्ट पर हवा में ही हमला कर सकता है। भारतीय सेना के पास दुनिया का सबसे खतरनाक अटैक हेलीकॉप्टर अपाचे भी है। अपाचे हेलीकॉप्टर सोमालिया, इराक और अफगानिस्तान के युद्ध में अपनी ताकत दिखा चुका है। ये वही अपाचे हेलीकॉप्टर है जो 2 मिनट के भीतर अपनी 30 mm कैनन से 1200 राउंड फायरिंग कर सकता है। अपाचे एक बार में 80 रॉकेट लॉन्च कर सकता है। रात के घुप अंधेरे में भी ये मिसाइलें अपने टारगेट की पहचान कर उसे भेदने में सक्षम है। अब बात राफेल की। राफेल के बारे में तो आपने बहुत कुछ सुना होगा, लेकिन सिर्फ नेताओं के जुबानी। लेकिन राफेल की ताकत के बारे में आप जानेंगे तो हैरान हो जाएंगे। लेटेस्ट एवेनिक्स और मिसाइल सिस्टम की वजह से राफेल भारतीय वायुसेना का सबसे ताकतवर एयरक्राफ्ट है। ये ठंडे पर्वतीय क्षेत्रों में भी अपने बेहतरीन रडार के साथ काम करने की क्षमता रखता है। इसमें खास इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम भी लगा है, जिसके जरिए दुश्मनों की लोकेशन का पता लगाया जा सकता है और उनके रडार को जाम भी किया जा सकता है। तो ये है भारत की अत्याधुनिक हथियार जो दुश्मनों के घर में घुसकर प्रलय मचाने में ज्यादा वक्त नहीं लगाता। इन अत्याधुनिक मिसाइलों के अलावा भारत के पास और भी अनेक ताकतवर ब्रह्मास्त्र हैं, जो पल भर में दुश्मन के छक्के छुड़ाने का ताकत रखते हैं। और यही वजह है कि चीन भी भारत के इन हथियारों की ताकत से घबराता है। ब्यूरो रिपोर्ट, उजांग टाइम्स।